ओम शांति। हम सभी भगवान के बच्चों को गुणमूर्त बनना है, गुण ग्राहक बनना है। सभी से गुण लेते लेते सर्वगुण संपन्न बन जाना है। जो व्यक्ति बहुत स्वेट होता है, नम्रचित्त होता है, निरंकारी होता है, क्रोध नहीं करता, बहुत प्यार से सबसे व्यवहार करता है, कभी कड़वे वचन नहीं बोलता, सबको सुख देता है, बहुत संतुष्ट रहता है, उसे ही लोग गुणमूर्त कहते हैं। कॉमन सी बात है। जो देखने में ही लगे कि गुणों से श्रृंगारा हुआ व्यक्ति है, उसके चेहरे पे खुशी की झलक होगी, संतोष के भाव होंगे मस्तक पर, निरंकारिता बहुत ज़्यादा होगी। और बाबा ने जो सब गुण बताए हैं, सरलता, आत्मिक दृष्टि, सबको प्रेम बांटना, शुभ भावनाएँ रखना, ये उनके जीवन में बहुत ही प्रैक्टिकल में होगा। तो आओ हम सभी संकल्प करें, ज्ञान स्वरूप हैं हम, तो हमें गुण स्वरूप भी बनना है। एक एक गुण पर हमें ध्यान देना है, किसी में कोई कमजोरी है, किसी में कोई कमजोरी है, उस पर हमें विजय भी पाना है। और एक बुद्धिमान मनुष्य को अपनी कमजोरियों का आभास, अवेयरनेस, पूरी जानकारी होनी चाहिए। कई लोग संतुष्ट नहीं हैं, पर सोचते हैं हम तो संतुष्ट हैं, पर जरा सा कहीं मान न मिला, कोई अवसर न मिला, किसी ने अच्छा काम कर लिया, ईर्ष्या हो गई, तो असंतोष अंदर में हो जाता है। तो हम अपने गुणों को चेक करें, ये होमवर्क सभी करेंगे इन दिनों में, कि अपने गुणों की एक लिस्ट बना ले 15-16 गुणों की, और चेक करें इनमें से मेरे अंदर क्या है। कभी कभी छोटे अवगुण भी हमें बड़े अवगुणों से दूर कर देते हैं। छोटे अवगुण जैसे आलस, अलबेलापन, थोड़ा ज़्यादा बोलने की आदत, थोड़ा ज़ोर से बोलने की आदत, थोड़ा दूसरों पे बड़े आनंद पूर्वक कमेंट्स कर देने की आदत। मनुष्य को लगता है वाह हम भी कुछ हैं, लेकिन ये ऐसे अवगुण हैं जिनकी गलत छाप दूसरों के ऊपर पड़ती है। हम एक सुंदर संगठन में रहते हैं, हमारा ये ईश्वरीय परिवार है, हमें दूसरों को ईश्वरीय परिवार की भावना देनी है। अंडरलाइन करेंगे, हम शिकायत तो बहुत करते हैं, हमारा कैसा परिवार है, फलाना ऐसा करता है, ये ऐसा करते हैं, ये कोई ईश्वरीय परिवार है क्या। लेकिन ये शिकायतें न करके हमें बड़े होकर, बड़े बनकर दूसरों को ईश्वरीय परिवार की, ईश्वरीय पालना की भासना देनी है, ये हमारा परम कर्तव्य है। हम ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं, हम दूसरों के कल्याण के भी निमित्त हैं, तो हमें इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। हमें नम्रचित्त होकर रहना है। जितने हम गुणवान बने, जितने हम महान बने, जितने हम आगे निकलें, जितना हमारा नाम हो जाए, जितनी ज़्यादा हमें सफलताएं मिले, उतना ही हम निर्माण बनते चलें। यही एक ज्ञानी आत्मा का प्रैक्टिकल में लक्षण होता है। अगर सफलताओं के साथ अहम भी बढ़ने लगे, तो ये अहम हमारे सभी सद्गुणों पर पानी फेर देता है। हमें अपने को शांत चित्त भी करना है, शांत, ये नहीं सारा दिन बोलते रहे। बोलना वहाँ है जहाँ ज़रूरत हो, और अब तो समय आ गया है जबकि हमें अपनी साधनाओं में दृढ़तापूर्वक तत्पर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये समय हाथ से निकलता जा रहा है। परीक्षाएं बहुत हो रही हैं, और इससे 10 गुना ज़्यादा होंगी, और 100 गुना ज़्यादा होंगी। मोह की परीक्षा आएगी, देहभान कितना है उसकी परीक्षा आएगी, हम कितने सेंसिटिव हैं उसकी परीक्षा होगी, हम कितने पावरफुल हैं उसकी परीक्षा होगी। तो हमें अपने को सर्व गुणों से संपन्न करना है, ताकि देखने वाले भी कहें कि भाई गुणमूर्त व्यक्ति देखना हो तो ये देखें, इन जैसा हो।
और विशेष रूप से हम में से जो बड़े हैं उन्हें अपने बोल पे ध्यान देना चाहिए, अपने व्यवहार पे ध्यान देना चाहिए, अपने को सदा दातापन की स्थिति में रखना चाहिए, सम्मान मांगने की बजाय छोटों को सम्मान देना चाहिए। ओम शांति।